डाक विभाग में आज सुबह से 6 बजे से व्यवस्था का क्या नजारा है, मैं अपने कैमरामैन किशन सुदन से कहना चाहूंगा कि दिखाएं किस तरीके से लंबी लंबी लाइनें लगी पड़ी हैं, जिसमें कि महिलाओं की, पुरुषों की, छात्रों की संख्या भारी रूप में देखी जा सकती है। ये हाल सुबह से है और ये हाल भी जब है जब विशेष अभियान चलाया जा रहा है, उप डाकघरों और डाकघरों में भी आधार कार्ड से संबंधित कार्य किया जा रहा है। उसके बावजूद भी आधार कार्ड को लेकर और अन्य कार्यों को लेकर डाकघरों में दिन पर दिन लोड बढ़ता जा रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं अब कोरोना का खतरा भी बढ़ने लगा है, क्योंकि शासन द्वारा कहा गया है कि 2 फीट की दूरी से सभी नियमों का पालन किया जाए, लेकिन यहाँ पर हालात देख के लगता नहीं है कि 2 फीट की दूरी के साथ कार्य हो पाएगा, क्योंकि अगर 2 फुट की दूरी के अनुसार लाइन लगाई जाए तो घंटा घर चौपले और यहाँ से छतरी के पीर तक व्यवस्था पहुँच सकती है। खुद डिप्टी पोस्ट मास्टर रतन सिंह भी व्यवस्था को बनाने के लिए आए हैं, उनसे बात करते हैं किस तरीके से व्यवस्था करना है। यहाँ सुबह से सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी लगाई जाती है और सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ में सैनिटाइज किया जाता है, लाइन लगाई जाती है महिलाओं की अलग और पुरुषों की अलग, बच्चों की अलग, इस तरह लाइन लगाई जाती है और उसको व्यवस्था बनाने रखती है। एक्चुअली क्या है कि शनिवार में हमने महालोकिन डे रखा हुआ है और अखबार में भी सभी अखबारों में इसके प्रकाशित किया गया खबर को, है ना, तो इसलिए छात्राओं के लिए भी भीड़ है ज़्यादा, क्योंकि उनका स्कूल का सर्टिफिकेट है, कहीं छात्रवृत्ति है, कहीं कुछ है, इस तरह से तो इसलिए भीड़ बढ़ना स्वाभाविक है। और गांव देहात से दूर दूर से यहाँ लोग बाग आते हैं, मना किसी को कर नहीं सकते, लेकिन ये आश्वासन है कि यहाँ हर आदमी का काम होगा, चाहे वो देर हो चाहे कुछ हो, और जब तक यहाँ एक भी आदमी का काम नहीं रुकेगा तब तक हम काउंटर बंद नहीं करेंगे, 2 काउंटर सुचारू रूप से हमारे चल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से छात्र छात्राओं की एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, लेकिन शासन द्वारा कुछ विशेष इंतजाम नहीं किया गया, डाकघरों पर पूरा लोड है, ऐसे में जहाँ छात्र छात्राओं को परेशानी हो रही है, छात्र छात्राओं को परेशानी हो रही है, वहीं कोरोना संक्रमण भी तीव्र गति से बढ़ सकता है। आधार कार्ड में परेशानियों को लेकर डाकघर पर दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ती जा रही है, जिसमें कि पहले तो सिर्फ आप सामान्य लोग आ रहे थे, लेकिन जब से एडमिशन प्रक्रिया शुरू हुई है छात्र छात्राओं की संख्या भी अब आधार कार्ड बनवाने के लिए बढ़ गई। छात्रों की संख्या को देखते हुए प्रवर डाक अधीक्षक वीर सिंह ने विशेष इंतजाम करते हुए सभी उप डाकघर और डाकघरों को भी विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं कि जिससे कि शनिवार को उनके क्षेत्र में ही व्यवस्था होते हुए उनका अपडेशन कार्य हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आधार कार्ड से संबंधित भीड़ सिटी के डाकघर एवं कैट डाकघर में कम होने को नहीं दे रही है। अब हम स्टूडेंट से ही पूछते हैं कि उनकी क्या परेशानी है। आपका नाम? अखिलेश वर्मा। क्या दिक्कत है आपको? मेरे आधार कार्ड में नंबर अपडेट नहीं है, जिसकी वजह से वर्चुअल आईडी क्रिएट नहीं हो पा रही है, यूनिवर्सिटी की साइट पर वर्चुअल आईडी क्रिएट करनी होती है, तो वो मेरा ओटीपी नहीं आ रहा, आधार ओटीपी, तो उसके लिए नंबर चेंज कराना है। तब नंबर नहीं था, नंबर मतलब मैंने अपने पापा का डाला था, वो नंबर बंद हो गया, जिसकी वजह से अब मेरे को नंबर अपडेट कराना पड़ रहा है। इसके लिए ये है कि हम सभी को एक तो कहते हैं कि अपना मास्क यूज़ करें, बाहर भी गार्ड भी उनका हैंड सैनिटाइज़र करके भेजता है, और जो ऊपर भी जब आते हैं तो आधार मशीन में जाने से पहले उनको सैनिटाइज किया जाता है उनके हाथों को, ताकि किसी भी तरह की मुश्किल से बचा सके। जैसे कि सभी उप डाकघरों में भी बनाए जा रहे हैं आधार कार्ड और अन्य खाते भी खोले जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों भीड़ कम नहीं हो पा रही है? भीड़ का तो यह है कि भीड़ ना कम होने में यह है कि काफ़ी हमें अपडेशन की दिक्कत आ रही है, और आजकल जो टाइम चल रहा है एडमिशन्स का, बच्चों का भी टाइम चल रहा है, दूसरे जो सभी को हो भी रहा है कि आधार का, जैसे सरकार ने बनाया तो आधार छोटे छोटे बच्चों के भी बनाने के लिए लोग आ जाते हैं, तो उसमें नेसेसिटी सब समझते हुए आ रहे हैं, और मोर ओवर ये भी है कि अब कहीं से भी कहीं भी कोई करा सकता है तो किसी को मना तो किया नहीं जा सकता, तो इसलिए रश तो रहेगा ही रहेगा। कैमरामैन किशन सुधर के साथ विशाल भटनागर, जनवाणी टीवी मेरठ।